आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। इंदौर में इंडियन फार्मा फेयर के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। फार्मा फेयर का शुभारंभ शुक्रवार को इंदौर बायपास स्थित होटल शेरिटन ग्रैंड पैलेस में इंडियन फार्मा फेयर फार्माक्यूटिकल्स उद्योग मार्केटिंग कंपनी और मेडिकल इंडस्ट्री के चिर परिचित लोगों की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान श्री राजीव सिंघल जनरल सेक्रेटरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। यह फार्मास्यूटिकल उद्योग इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी B2B प्रदर्शनी थी। इस आयोजन में पूरे देश से 50 से अधिक दवा उत्पादक अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं। फेयर में पूरे देश से आए हुए दवा निर्माताओं ने अपनी नई नई और अपनी सभी बेहतर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। यह प्रदर्शनी भारत में फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के विस्तार पर केंद्रित थी। ज्यादातर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग PCD फ्रेंचाइजी के माध्यम से आयोजित यह कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर देश में 10वीं बार और इंदौर में पहली बार आयोजित किया गया। इस फार्मास्यूटिकल मेले में पूरे भारत से कारोबारी शामिल हुए। इससे न केवल आगंतुकों को उत्पादों उनके आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने में मदद मिली बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिली। फार्मास्यूटिकल उद्योग भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। इस क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए देश को दवा निर्माण के अपने स्रोतों में विविधता लाने और लागत प्रभावशीलता वैकल्पिक चिकित्सा नैदानिक परिणाम और रोगी केंद्रित पारिधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मजबूत मूल्य प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता है। इंडियन फार्मा फेयर भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक छत के नीचे लेकर आता है जो कि भारत की चिकित्सा क्षमताओं को प्रदर्शित करता है और भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के अवसर पैदा करता है। इंडियन फार्मा फेयर के मुख्य अतिथि माननीय राजीव सिंघल जनरल सेक्रेटरी का मानना है कि इंदौर में 2024 में आयोजित हुआ इंडियन फार्मा फेयर का 10वां संस्करण भारतीय फार्मास्यूटिकल में मील का पत्थर साबित होगा। IFF के नेतृत्व में इंदौर ने फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों की इस विकास गाथा में एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही कहा कि आने वाले समय इंडियन कंपनीज का है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ने अपना पोर्टफोलियो इंडियन कंपनी को मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सौंपा है। इसका मतलब है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का आने वाला समय बहुत ही उज्ज्वल है और कहा हमें अपनी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन काफी कारगर साबित होंगे। ऑर्गेनाइजर श्री BS भंडारी ने कहा कि इंडियन इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री जो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाती है उनका प्रोडक्ट आगे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है तो इंडियन फार्मा फेयर उन्हें एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट आगे लोगों तक पहुंच सके। PCHPL फाउंडर एवं CEO श्री सुप्रीत सिंह लाइफ केयर न्यूरो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मार्केटिंग हेड जगजीत सिंह राठौर एवं ऑस्कर रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग मैनेजर रूपाली भूटानी ने इंदौर में आयोजित इंडियन फार्मा फेयर को फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के लिए बहुउपयोगी बताया। सर, ये जो इंडियन फार्मा फेयर की तरफ से लगा हुआ और ये 2 दिन का रहेगा, आज और कल 15-16 मार्च का, जैसे आज 15 तारीख होगी, कल भी रहेगा शाम को 6 बजे। और इसका जो मेन हम लोगों का टारगेट है फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ, फार्मा इंडस्ट्री में लोगों को जोड़ना और नए बिजनेस की तरफ उनको आकर्षित करना। लगभग कितनी कंपनियों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं? इसमें सर 50+ कंपनीज हैं और ऑल ओवर इंडिया से हैं, पर्टिकुलर एक जगह से नहीं है, हर जगह से कंपनीज हैं। हिमाचल, हरिद्वार, आपका हरियाणा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुजरात, लगभग सभी देश, मतलब देश की लगभग हर इंडस्ट्री से और हर डिस्ट्रिक्ट से एक कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है। आज शुभारंभ के पश्चात लगभग किस तरह का यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी खुश हैं और इंदौर के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनको पहली बार इतना बड़ा आयोजन देखने को मिला है। बहुत सारे होते हैं आयोजन पर इस तरह का आयोजन पहली बार इंदौर में हम लोगों ने किया है और अच्छा सपोर्ट मिला है। इंदौर से काफ़ी लोग आए हैं और बाहर से भी काफ़ी लोगों ने यहाँ विजिट करा है। वी हैव एन ऑफिस इन कैनेडा एज वेल, तो वी डील इन मोर देन 900 प्रोडक्ट्स। हमारे पास न्यूरोसाइकेट्री, कार्डियक डायबिटिक, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड हम हर तरह की मेडिसिन देते हैं एंड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग व्हाट वी आर डूइंग इज़ फ्रॉम रिनाउंड प्लांट्स ओनली, WHO प्लांट्स के साथ होता है।
जी, आपके जो मेन प्रोडक्ट हैं जी जी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है जी, तो उनके बारे में बताएं। जी 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 जी, श्योर श्योर श्योर। अगर मैं कुछ सेक्रेटरी के प्रोडक्ट्स की बात करूँ, जो बहुत पुराने प्रोडक्ट्स भी हैं, साइवॉक्स एक बहुत पुराना और अच्छा ब्रांड है, देन रेडीवेल इज़ अनदर ब्रांड, सोडियम एल्प्रेट है। अगर मैं मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो एक हमारा प्रोडक्ट आता है खांसी के लिए, उसका नाम है खुली सांस, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। देन कॉस्मेटिक्स में जस्ट ऑ के नाम से हमारी रेंज आती है, तो उसमें सीरम्स काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक ई कॉमर्स पोर्टल भी हम रन करते हैं सेहतोकार्ट.com के नाम से, तो वो भी उसमें भी ऑलमोस्ट 130-140 OTC ब्रांड्स हैं जो हम से सेल करते हैं। इंदौर में जो फेयर आज से शुरू हुआ है दो जी, जी जी जी, आपका भी यहाँ स्टॉल लगा, किस तरह का प्रतिसाद यहाँ पे, आपको किस तरह का बेनिफिट देखने को मिला? इंडियन फार्मा फेयर के साथ हम बहुत देर से जुड़े हुए हैं, तो हमें हर बार इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बट इस बार स्तर इन्होंने बढ़ा दिया और अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एक तो इंदौर एक क्लीनर सिटी ऑफ इंडिया है, आके बहुत मज़ा आया देख के कि कहीं भी गंदगी नहीं है, तो दिस इज़ ये सीखने को है और हमें सबको सीखना चाहिए। ऊपर से जो भंडारी जी ने जैसे ऑर्गेनाइज़ किया है और जैसे प्यार से हमें लेके आए और प्यार से ये एक माहौल बहुत अच्छा बनाया, इट्स वेरी गुड, ऑल क्वालिटी पीपल आर कमिंग हेयर। एंड जो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे अभी यहाँ महसूस हो रही है, एक पॉजिटिव वाइब्स हैं हर जगह, तो वो एक बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप हर समय रहते हो और बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और आपका परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं वो कहने लगा था, मैं भूल गया। तो मेरा नाम सुप्रीत सिंह है, मैं एक ब्रॉडकास्टर भी हूँ, मैंने वैंकूवर से ब्रॉडकास्टिंग की पढ़ाई भी की है, मैंने रेडियो टेलीविज़न में काम भी किया है 2010 से 12 तक, फिर ये कंपनी जब शुरू की थी 2013 में, तो मेरे फादर के साथ, अब वो को फाउंडर हैं, मैं फाउंडर हूँ। तो फिर टाइम नहीं मिला, तो फिर पिछले साल एक पॉडकास्ट दोबारा शुरू किया, द सुप्रीत सिंह शो, जो कि यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे है। तो उसमें ये थीम इज़ इंस्पायर मी, सो वी ब्रिंग आउट पॉजिटिव स्टोरीज और अलग अलग फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, दे कम ऑन आर शो। एंड 4 नवंबर को पहला हमारा एपिसोड हुआ था, एंड आज ही 13,000 सब्सक्राइबर हुए हैं ऑन यूट्यूब, सो वो एक अच्छा, एक हमें भी मोटिवेशन मिला है। सो दिस इज अबाउट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर आर एग्जीबिटिंग इन टू इंदौर इन द इंडियन फार्मा एक्सपो, एंड वी आर द फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरर्स। इट्स बीन लास्ट 30 years वी आर मैनुफैक्चरिंग द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस लाइक इंजेक्शंस, क्रिटिकल केयर इंजेक्शंस, बीटा नॉन बीटा टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ड्राई सिरप्स, ऑल दीज फॉर्मुलेशंस वी आर द स्पेशलिस्ट इन टू, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग इन टू वेरियस कंट्रीज, लाइक द कंट्रीज वी आर एक्सपोर्टिंग इज म्यांमार, वी आर एक्सपोर्टिंग टू सुदान, वी आर एक्सपोर्टिंग टू अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑल दीज कंट्रीज वी आर फेमिलियर इन एक्सपोर्टिंग। And here in this Indore exhibition, yeah, it's okay. It's the 2 days exhibition. We are getting the fine footfall, and it's having a great time here. Great support we got, so it's all. आपका जो कंपनी है उसका क्या नाम है और किस तरह के प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है? पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं जगजीत सिंह राठौर, मेरा नाम है। मैं मार्केटिंग हेड हूँ लाइफ केयर न्यूरो प्रोडक्ट्स लिमिटेड से। हमें 30 साल हो गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। हम ओरल डोसेज में प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स में। हम स्पेशलाइज्ड हैं न्यूरो, कार्डियक एंड डायबिटिक में, और वी आर इनटू जेनरिक आल्सो, ठीक है। और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मोर देन 15+ कंट्रीज अभी तक हमने सप्लाई कर चुके हैं, और वी आर काउंटिंग मोर इनटू इट। और अभी हमारे स्टॉल का बहुत फर्स्ट डे है एंड इट इज़ गोइंग गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इंदौर से, ठीक है। हमारा काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस है इंदौर का, पुराना है, यानी 15-20 साल से हम इस एरिया को सर्व कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगातार 2 दिनों तक फेयर चलने वाला है जी। सभी जो कंपनियां हैं या दूसरे जो, उनके लिए क्या संदेश है आपका चिकित्सा जगत में? कि हम बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए, और हमारी स्पेशलिटी है कि हम एक्सपीरियंस बेस्ड कस्टमर हैं। दूसरा, हम टेस्टिंग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम मार्केट में हैं, हम अपने क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ हम दे रहे हैं, हम अपने क्लाइंट्स को हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बिकॉज लाइफ कम्स वंस, ठीक है। और लाइफ जो है, हम किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी के हेल्थ के साथ डील कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहे हैं, तो हम सबको एक हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ हेल्दी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, और विद अ स्पेशल स्टेबिलिटी एंड एफिकेसी प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े,
और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनको यही करेंगे कि वो हमारे कॉम्पिटिटर से। आपके नए और पुराने प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आज की तारीख में है उनके कुछ नाम आप बताएं। उसमें जैसे डेली टैब है वो हमारा OTD ब्रांड भी है और आपको अमेजन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन साइट्स पे भी मिल जाएगा और उसकी सेल ऑसम है। इट इज़ स्पेशली फॉर कोरोना पेशेंट्स, लंग्स पेशेंट, एस्थमेटिक पेशेंट्स, ये इसमें स्पेशलाइज्ड है। जो आजकल की डे टू डे एक्टिविटीज़ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वीक होते जा रहे हैं हमारे, ठीक है, तो उसके लिए हम सब स्पेशली वो लेके आए हैं। उसका मेजर जो पार्ट है वो है एस्ट्राजेंथिन एंड रेस्पिरेट्रॉल विच इज़ यूज फॉर लंग कैंसर्स ऑल्सो, तो वो चीज़ हम स्पेशलाइज्ड हैं और उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं हमारे और वो वन ऑफ द बेस्ट OTT ब्रांड है हमारा। में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार